हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज की पीजी कोर्सेज की क्या फ़ी है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, फर्स्ट अलोकेशन हुआ है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें कोई ऐसा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकेंड राउंड का अलोकेशन भी होगा और जब JNU और BHU की लिस्ट आएंगी तो अपर मूवमेंट होगा। अपर मूवमेंट का मतलब बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए होंगे वो जो जो सीट को जो ड्रॉप करके और वो BHU या JNU में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारी सीट्स हैं अभी इधर उधर होंगी, तो उनको ऐसा कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एलोकेशन में अभी बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो फी स्ट्रक्चर है, इन केस अगर आप अपना जो सीट है उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाहते हैं, अपनी जो अलॉटमेंट है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो क्या फ़ी स्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है और जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है उनमें आपको क्या फ़ीस सबमिट करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले मैं मिरांडा हाउस कॉलेज की बात कर लेता हूं जो कि गर्ल्स कॉलेज है। तो यहां पर अगर MSc मैथ्स में आपका एडमिशन हुआ है तो आपके पर ईयर जो फी लगने वाला है वो 14,530 रुपीज़ है, 14,530 रुपये। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये जो फ़ी है वो होगा 15,170 रुपये, 15,170 रुपीज़। बॉटनी जूलॉजी में ये जो फ़ी है वो होगा 16,170 रुपीज़, 16,170 रुपये। इकोनॉमिक्स में फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, 19,030 रुपीज़, 19,030 रुपये। ये मिरांडा उसका था जो कि गर्ल्स कॉलेज है। रामजस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं ना, उनमें सभी के अंदर जो फ़ी है वो 14,542 रुपये, 14,542 रुपीज़ है फ़ीस रामजस कॉलेज के अंदर। अगर वेंकी कॉलेज की बात करूं, यानी कि श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की, तो जितने भी MSc कोर्सेज यहां पर हैं उनकी फ़ी है 13,191 रुपये, 13,191 रुपीज़ फ़ीस है। फिर अगर हम फर्दर कॉलेजेस की बात कर ले तो हिंदू कॉलेज की मैं बात करूं तो काफ़ी आपको कॉस्टली हिंदू कॉलेज पड़ेगा और इसकी फ़ी होगी 21,550 रुपीज़, है ना, 21,550 रुपये। हंसराज कॉलेज की मैं अगर बात करता हूं तो बॉटनी की फ़ी होगी 21,324 रुपये, केमिस्ट्री की फ़ीस होगी 20,124 रुपये, 20,124 रुपीज़। जूलॉजी 21,324, मैथ्स 19,724। किरोड़ी मल कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ, मैथ्स की फ़ीस 14,364, फिजिक्स 14,409, बॉटनी, जूलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च और केमिस्ट्री, इन सबकी फ़ीस सेम है, 14,409 रुपये। जाकिर हुसैन जो कॉलेज है उसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, ये चार ही MSc कोर्सेज हैं। तो केमिस्ट्री की फ़ीस है 11,430 रुपये, मैथमेटिक्स 11,030 रुपीज़, जूलॉजी, बॉटनी 12,630 रुपये। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ हिंदू कॉलेज की, तो मैं आपको बता चुका हूँ हिंदू कॉलेज ये 21,550 रुपये है, सॉरी नहीं 24,350 है 2023 में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हिंदू कॉलेज की फ़ीस 24,350 रुपये। गार्गी कॉलेज की फ़ीस 14,200 रुपये और सेंट स्टीफन की एक बार आप चेक कर लेना, 24,300 रुपये है, फिर भी एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। हिंदू कॉलेज की मैंने 2023 की ये फ़ीस है, इसको आप कंसिडर मत करना इस वाले को, है ना, हिंदू कॉलेज की ये वाली फ़ीस जो है इसको कंसिडर मत करना, ये करेक्ट फ़ीस है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जिसका एडमिशन हुआ है उसकी फ़ीस रहने वाली है 15,836 रुपये, 15,836 रुपीज़ ये फ़ीस रहेगी। स्टीफन्स कॉलेज जो है इसकी फ़ीस को आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेना। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, उसके फेवर अगर वो आपके पास नहीं है तो 10th की मार्कशीट, है ना, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो सारी यहाँ पर लगेंगी, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, और इन केस आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आपको लगाना है, पेंडिंग रिजल्ट के केस में आपको अंडरटेकिंग देनी है, ठीक है, अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो उस केस में आपको अंडरटेकिंग देनी है। फिर आपकी 12th और 10th की मार्कशीट्स, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट हो,
और एप्लीकेशन फॉर्म DU का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो एप्लीकेशन फॉर्म उसको सेल्फ अटेस्ट करना है आप, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पेमेंट स्लिप, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी स्लिप की आपको प्रिंट आउट निकाल के और उसको अटैच करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे जब आप DV के लिए जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जिन लोगों को फीस सबमिट करनी है तो वो ये फीस सबमिट आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और JNU की लिस्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जैसे ही आती है मैं वो उसको मैं बना दूंगा। हिमाचल प्रदेश की जरूर आज थर्ड लिस्ट आ गई है, तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे।